अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ब्रांड नेम है इसका सिनेरिया मार्टिमा। ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। हम आँखों की किन अमराज में इसको यूज़ करवा सकते हैं, इसके फ़वाद क्या हैं और इसकी डोज़ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इससे मुस्तफिद हो सकें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन के हवाले से, सेहत के हवाले से मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू। तो व्यूअर्स, सिनेरिया मार्टिमा ये मसूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है और ये पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी ब्रांड है होम्योपैथिक में। तो इसकी जो फार्मूलेशन है उसके अंदर सिनेरिया मार्टिमा मदर टेंचर्स में है 20% और हेमामेल्स है 10%। सिनेरिया मार्टिमा किसी भी मकामी उज़्वी तब्दीली के नतीजे में सफ़ेद मोतिया और आँखों के धुंधलापन को ख़त्म करने के लिए नहायत ही मुअस्सर दवा है। इसकी तफसील के बारे में हम बाद में बात करते हैं। और इसके अलावा जो इसके अंदर दूसरी मेडिसिन यूज़ होती है हेमामेल्स, ये आँखों में दर्द और दुखन को दूर करती है और आँखों के अंदर अखराज खून को जज्ब करने में मुआवन होती है। तो व्यूअर्स, हम सिनेरिया मार्टिमा को जो ये कॉम्बिनेशन है दो मेडिसन्स का, इसको हम किन चीज़ों के लिए यूज़ करवा सकते हैं। किसी भी मकामी उज़्वी तब्दीली, शुगर, गेंठिया के नतीजे में या किसी और ऐसी डिज़ीज़ जो है उसके नतीजे में सफ़ेद मोतिया आँखों में बनना शुरू हो जाता है। गेंठिया में चूँकि बहुत ज़्यादा स्टीराइड मेडिसन जो हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं पेंस को कम करने के लिए, गेंठिया के जो होने वाले असरात हैं उनको रोकने के लिए, तो इसलिए गाउट के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत तेज़ी से सफ़ेद मोतिया जो है वो हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। आँखों में धुंधलापन वाक़या हो जाना बारीक बीनी की वजह से, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लैपटॉप पर वर्क करते हैं, या ऐसे बच्चे जो जिनकी ये बुरी आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, या ऐसे लोग के जो जिनकी जॉब ही लैपटॉप पे है, वो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या अब, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। स्क्रीन को देखने की वजह से, खा वो लैपटॉप की है या वो मोबाइल की है या वो हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं या हम टीवी को देख रहे हैं, टेलीविज़न को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो नज़र बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अशूब चश्म के लिए हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। पलकों में सोजश, जैसे ये जो हमारी पलकें हैं इनके ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, इनके बिल्कुल सिरों के ऊपर, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आईज़ जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो इसके अलावा इस दवा की जो तासीर है वो आँखों में मौजूद खुर्दबीनी जो जरासीम होते हैं, ऐसे जरासीम जो कि हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन वो हमारी आँख के अंदर इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, इसका किसी किस्म का जो मोज़र असरात हैं वो हमारी आईज़ पर नहीं आते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। इसको हम हिफ्ज़े मान तक़द्दम, जो लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, वो इसको हिफ्ज़े मान तक़द्दम भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो टू ड्रॉप्स जो हैं वो हम 3 times a day यूज़ करवा सकते हैं, यानी 2 कतरे दिन में 3 मरतबा हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या तो
जैसे मैंने पहले बताया कि माइक्रोस्कोपिक जो जरासीम हैं उनकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हुई है तो उसके लिए बेटर है कि पहले आप हल्का सा नीम गर्म पानी उसके अंदर जो है बहुत ही कम मकदार में नमक ऐड करेंगे, उसके साथ अपनी आईज़ को वॉश करेंगे, उसके बाद आप इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में या आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में या किसी डिज़ीज़ के हवाले से आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो होम्योपैथिक है, हम हर उस प्रोडक्ट पर बात करेंगे जो आपकी सेहत के लिए मुफीद है, और हर उस प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ताकि आप नुकसान से भी बच सकें और उनके अफादियत भी हासिल कर सकें, ख्वाह वो होम्योपैथिक प्रोडक्ट है या वो एलोपैथिक प्रोडक्ट है या वो हर्ब में से है, यानी कि हर्बल प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफिद हो सकें और मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।